हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आपका एक फिजिक्स क्लासेस में। और आज का लेक्चर में वीडियोज हमें हम लोगों ने लाया है क्लासिकल फिजिक्स कहें या तो इसी को मतलब सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। क्या है कि जब कभी भी सॉलिड में क्या होती है, एनर्जी देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। देखो टेम्परेचर दिए तो उस सॉलिड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेल्टिंग पॉइंट से पहले और रूम टेम्परेचर के बाद कितना होता है, 3R के इक्वल होता है। इसका मतलब 3 × R के जगह पे यहाँ पर है गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। और ये किसने दिए हैं, ये लॉ दिए हैं डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लासिकल फिजिक्स का यूज करके इनको प्रूव किया है। और उनको प्रूफ करने के लिए हम जो यूज करेंगे वो क्लासिकल फिजिक्स होगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं, ठीक है। हमको लास्ट में पहुंचना है यहाँ तक। हम क्या करेंगे, इसके एनर्जी को दे रहे हैं, मतलब टेम्परेचर दे रहे हैं, तो एनर्जी दे रहे हैं। फिर एनर्जी में कौन कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को एनर्जी दे रहे हैं, तो एक एटम के पास, एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी निकाल लेंगे। और वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स जो मैंने सेमेस्टर 3 में बताया था, जो गैस के लिए था, तो वहाँ पर उन्होंने बताया था एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हम उसको यूज कर लेंगे, ठीक ना। फिर वहाँ पर एनर्जी का वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर देने हैं जो अभी यहाँ निकालूंगा। और फिर धीरे धीरे एक इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन के बाद धीरे धीरे यहाँ पर हम लोग पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, बने रहिए मेरे साथ, है ना। और बीच बीच में थोड़ी सी चलती रहेगी, है कि नहीं, मस्ती वाली बात मिटा दे बच्चों, ठीक है। डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ का प्रूफ हो जाएगा ये लेक्चर 16, प्रूफ ऑफ डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। ऑफ डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ, ठीक है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये पार्ट टू है, पार्ट वन में मैंने स्टेटमेंट बताई है, पूरा डिटेल बताया कि एक्चुअल में कहाँ से आया और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वगैरह वगैरह मैंने बताया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पार्ट वन को देख लोगे। कैसे देखोगे, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन को चेक करके लिंक को देख लें वहाँ पर। अगली बात है कि आई बटन पर भी लिंक दे दूंगा, ठीक है, इन स्क्रीन पर भी लिंक दे दूंगा, लेकिन जरूर देखिए, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ का प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक सॉलिड में हमने क्या किया, कुछ एनर्जी, नोट्स मैंने बना रखा है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से। मैंने क्या किया, एक सॉलिड में हीट दी, टेम्परेचर दिया, एनर्जी बढ़ गई। तो उसमें कौन कौन सा एनर्जी आई, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम वही निकालते थे एनर्जी ऑफ, देखो जब एनर्जी दिया इसके बाद क्या हुआ, फोनोन्स का कहानी से सोचो जरा। फोनोन्स का जो हमने लेक्चर बताया था उसमें मैंने कहा था, जैसे किसी टाइप का एनर्जी देते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो चाहे थर्मल एनर्जी हो, जैसे एनर्जी देते हैं तो वो पार्टिकल क्या होती है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेट करने स्टार्ट कर देती है। तो उन सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेट कर रहे पार्टिकल का एनर्जी कितना होता है, ठीक है। तो आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा कि जो एनर्जी होता है, हम मान के चलते हैं यू, वो कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, अगर हाफ एम वी स्क्वायर को हम मोमेंटम के टर्म में लिखना चाहें, किसके टर्म में, मोमेंटम के टर्म में, तो एम को नीचे भी देते हैं, एम को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर में क्या हो जाता है, हो जाता है नीचे हो गया 1/2 m, ठीक है, ऊपर में क्या हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं पी स्क्वायर बाय 2 m, ठीक। इसका मतलब मैंने जो काइनेटिक एनर्जी ली थी वो कितना आ गया मोमेंटम के टर्म में, पी स्क्वायर बाय 2 m। तो यहाँ पर हमने अब क्या लिखने हैं, पी स्क्वायर बाय 2 m प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये बात समझ नहीं आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी समझा दी, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या जानते हैं हम लोग, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वहीं पर आती है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स आता है, आप लोग को अगर याद होगा तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। क्या आता है,
एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। जरा देख लो यार सेमेस्टर वन का कॉपी उठा करके, है ना, समझ में आ जाएगी बातें। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर रख दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एनर्जी ऑफ वन ऑसिलेटर, ठीक है। लेकिन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ने कहा था कि इस तरह की जब इन्फाइनाइट ऑसिलेटर हो तो उसका जो एवरेज एनर्जी होता है उसका एक फॉर्मूला उन्होंने दिया था। और उन्होंने, अरे यार कहाँ से धुआं आ रहा है यार, उन्होंने एक एवरेज एनर्जी जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से आया था, तो यहाँ पर लिखते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। कहाँ से, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, ठीक है। तो वहाँ से आया था एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला, और वो ये था यू इंटू ई टू द पावर माइनस माइनस यू बाय के टी इंटू डी यू, ठीक है। ये था बाय ये वाला था, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस u by kt into du, ठीक है। ये थी वहाँ पर, है ना। अगले बार थोड़ा दूसरा कलर से लिखते हैं यार। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स था जो मैंने बताया था पिछले साल, और उसका फॉर्मूला भी मैंने लाया था, ठीक है, यहाँ पर बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से। ये क्या था, एवरेज एनर्जी। यहाँ पर अगर e रखें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e इंटू ई टू द पावर e बाई के टी इंटू डी बाय इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर e बाई के टी इंटू डी यू। यहाँ पर e रखने बोल रहे हैं क्योंकि एनर्जी को हम लोग e से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वो सिंपल सी बात है, हमने e इसलिए रखने बोला क्योंकि मैंने जब डिराइव कर रहा था ये फॉर्मूला मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स वाला, तो मैंने वहाँ पर एनर्जी को e मान करके डिराइव किया। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर एनर्जी क्या माना है, u। तो फॉर्मूला में थोड़ी ना अंतर पड़ने वाला है, थोड़ी सी डिफरेंस हो जाएगी, तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा, है ना, पहाड़ टूट जाएगा नहीं जाएगा, है ना भाई। कोरोना का टाइम है, घर पे रहो, निकलना नहीं, ठीक है। और हम कहेंगे अगर आप दूसरी सिटी में तो अपना घर चल जाइए, क्योंकि दूसरे के भरोसे ज़िंदा रहना बहुत टफ है ना। शांति से रहिए अपने घर में। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इस यू के जगह पर पुट कर देंगे ये वाला वैल्यू। इसको मान लो इक्वेशन वन, इसको मान लो इक्वेशन टू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन इन इक्वेशन टू, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन वन का वैल्यू टू में पुट कर रहे हैं। कहाँ पर पुट कर रहे हैं, स्पेस तो है नहीं कहीं, तो खैर हम यहाँ पर एक बार पुट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन यू के जगह पे बताओ ये वाला टर्म पूरा लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, जी बिल्कुल लिखाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर बाई टू एम, क्या नीचे दिख रहा है आपको, दिख रहा है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक है। हाँ, पी स्क्वायर बाई टू एम प्लस वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया क्या, यू का वैल्यू इन टू ई टू दी पावर है, यहाँ पर क्या है, ई टू दी पावर है। तो हम e टू दी पावर को आप ना लिख करके हम ऐसा करते हैं कि इसको ले देते हैं एक्सपोनेंट ऑफ, क्या लिख देते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ किसका, माइनस, क्या यहाँ पर माइनस है, तो माइनस, और जैसे ही माइनस माइनस के बाद क्या है, यहाँ पर देखो u है, मतलब इसमें हम क्या करें, माइनस लगा दें। तो जैसे ही यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो उसको वहाँ पर लिख दो, माइनस पी स्क्वायर बाय टू एम, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, वन बाय टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आई बात। और दूसरी बात, यहाँ पर अगर ये ब्रैकेट ना दें तो भी चलेगा, बाय इसका देखो यहाँ पर डिवाइड में भी था कुछ, डिवाइड में कितना था, के इंटू टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं। और फिर इस होल का जो डिवाइड में था, दूसरा कलर लाओ, इस होल का जो डिवाइड में था, ठीक है, नीचे दिख रहा है ना बोर्ड, हाँ जी दिख रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। नीचे का जो होल डिवाइड में था वो क्या था, इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन और ये वाला टर्म था ना, तो इसको हम लिख देते हैं एक्सपोनेंट ऑफ, बिल्कुल यही वाला है, पी स्क्वायर बाय टू एम माइनस वन बाय टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय के इंटू टी। ठीक है, और दूसरी बात आगे ये है कि यहाँ पर यू था, यहाँ पर क्या था, यू था। अब क्या हो रहा है कि ये एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही, मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट में, मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट में। तो इसका जो हो जाएगा, इसका लिए जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट। तो अभी तक हम यहाँ पर लिख देते हैं डी पी इंटू डी एक्स। ठीक है, जैसे ही डी पी इंटू डी एक्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और इंटीग्रेशन देना पड़ेगा और यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, एक और इंटीग्रेशन देना होगा, एक पी के लिए एक एक्स के लिए, यहाँ भी एक पी के लिए और एक एक्स के लिए। तो ये नीचे वाला इक्वेशन सबको समझ में आई क्या, समझ में आ गया होगा तो कमेंट जरूर करना भैया, क्योंकि समझाना बहुत टफ होता है टीचर्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या पता मेरे सामने है नहीं आया। ठीक है, जो कि हम पूछ लें आपसे समझ में आया, और अगर नहीं आया तो मैं फिर से बता दूँ, ऐसा आप तो है नहीं यहाँ पर मेरे पास, मैं एक अपनी तरफ से जो भी है अपनी तरफ से वो मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर समझ में आ गया हो जरूर कमेंट करना, ठीक है, बस कमेंट का इंतजार रखता है मेरा, है ना। तो अगला चलते हैं, बोल्ट्जमैन लॉ हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम लोग सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं। वो ये कैलकुलेशन है कि ये वाला टर्म टोटल किस में है, एक्सपोनेंट में, यहाँ से लेकर के इधर एक्सपोनेंट में, तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग मतलब समझे कि ये वाला टर्म एक्सपोनेंट वाला टर्म गुना कर देते हैं हम इसके पी स्क्वायर बाई टू एम के साथ, और प्लस लिख करके ये वाला टर्म को गुना कर देंगे इसके साथ। ठीक है, तो ऊपर वाले जगह को हम मिटाते हैं, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन कोई फायदा है नहीं शॉर्ट करने से, बनाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या निकाला था यहाँ से, एवरेज एनर्जी, और वो ये था कि डबल इंटीग्रेशन लगा दिए पी और एक्स के रिस्पेक्ट में, पी स्क्वायर बाई टू एम इंटू यहाँ की एक्सपोनेंट है, ई का पावर है, मतलब यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंट है किसका, तो लिख दो भैया पी स्क्वायर बाय टू एम, टू एम। ठीक है, और नीचे का के टी है वो के टी में इसमें भी डिवाइड कर देता हूँ और इसमें भी कर देता हूँ, तो यहाँ पर टू एम तो था और के टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा यहाँ पर टू एम के टी। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं भैया, दिखाई दे रहा है कि नहीं भैया, दिखाई दे रहा है, थोड़ा व्हाइट वाला चौक ले गया, हाँ ये वाला मैंने इसमें ले आया। ठीक है, और जो बच गया यहाँ पर माइनस के साथ, क्योंकि ये भी किसमें था, माइनस में था। ठीक है, माइनस के साथ जो बच गया, क्या बचा, वन बाय टू और के टी, वन बाय टू के टी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या देंगे हम लोग, पी और इंटू एक्स था। ठीक है, अब चूंकि हम लोग अलग अलग कर रहे हैं तो यहाँ पर एक इंटीग्रेशन देंगे। ठीक है, और वो कौन वाला देंगे, जो टर्म है यहाँ पर पी वाला, तो पी का इंटीग्रेशन दे देंगे, थोड़ा सा सटा के दो और थोड़ा सा बढ़ा दे दो तो पी का इंटीग्रेशन दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या रखेंगे आप, डी पी प्लस ये वाला है यहाँ पर प्लस। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का टर्म, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और लिख दिया, फिर ये वाला टर्म एक्सपोनेंट के बाद वाला टर्म को पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके पहले एक इंटीग्रेशन लगा और यहाँ लिखो वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर एक्सपोनेंट के बाद वो वाला टर्म जो यहाँ पर है इंटू एक्सपोनेंट ऑफ, थोड़ी सी छोटा छोटा लिखो ताकि पूरी आ जाए, है ना, एक्सपोनेंट ऑफ ये वाला टर्म लिखो माइनस पी स्क्वायर बाई टू एम के टी, है ना, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू के टी। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गया सबको, और इसका जो इंटीग्रेशन लगेगा और क्या लगेगा,
डी एक्स लगेगा, यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा और यहाँ पर लगेगा डी एक्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर डी एक्स लगा देंगे कि डिवाइड का साइन देना पड़ेगा, और नीचे में जो था नीचे में उसको हम चेंज नहीं कर सकते, नीचे में क्या करेंगे जो है यहाँ पर के टी उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, टू एम के साथ, और उसी तरह यहाँ जो के टी है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे में, ठीक है, डिवाइड में न्यूमरेटर डी न्यूमरेटर में, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं हम, वही चीज़ क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पी और यहाँ पर एक्स, ये लिखो एक्सपोनेंट दिस माइनस पी स्क्वायर बाई टू एम के टी माइनस वन बटे टू एम के टी इंटू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया टोटल काम यहाँ पर, है ना। यहाँ तक बातें समझ में आ गई है कि थोड़ी सी दिक्कत हुआ, क्यों ये हुआ दिक्कत, क्योंकि एक बीच में कॉल आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पी और एक्स है तो यहाँ पर दोनों लगा देंगे डी पी इंटू डी एक्स, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस सिंपल मल्टीप्लाई किया, सिंपल मल्टीप्लाई का मतलब है अगर ये प्लस बी इंटू सी रहा, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, लिखते हैं ए इंटू सी, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, बस वही किए। देखो यहाँ पर ए प्लस बी इंटू सी था, ठीक है, ए प्लस बी इंटू सी था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए इंटू सी, देखो यहाँ पर ए इंटू सी प्लस, प्लस का साइन था यहाँ, प्लस दिए यहाँ पर, ठीक है, प्लस बी इंटू सी, यहाँ देखो बी इंटू सी, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे अलग अलग की ये बात सबको पता चल गया होगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर पी है तो पी का इंटीग्रेशन रख दिए डी पी, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स का इंटीग्रेशन रख दिए, ठीक है। अब आगे, अब अगला स्टेप, तो अगला स्टेप में जाने के लिए इसको मिटा देना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, अगला स्टेप में क्या करेंगे हम, अगला स्टेप में ये कर रहे हैं कि एक बात बताइए, अगर ई का पावर रहा माइनस ए माइनस बी, ठीक है, ई का पावर रहा अगर माइनस ए माइनस बी, तो हम लोग इसको सिंपल मैथमेटिक्स में क्या लिखते हैं, अलजेब्रा में ई का पावर माइनस ए इंटू ई का पावर माइनस बी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। बेस सेम रहे तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, और माइनस ए माइनस बी को ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा ऊपर वाला, है ना। तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को अलग करने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पर क्या है, ई का पावर था, उसी तरह यहाँ भी है, एक्सपोनेंट का मतलब ई का पावर इतना माइनस इतना, ठीक है, उसी तरह से माइनस ए माइनस बी के टर्म में। तो एक बार लिखेंगे ई का पावर दिस इंटू ई का पावर दिस, ठीक है, और ई का पावर यहाँ नहीं लिख पाए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट लिखा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एनर्जी जो है सो एवरेज निकाल रहे हैं, ये है पी स्क्वायर बाय टू एम, यहाँ पी है, ठीक है, इंटू एक्सपोनेंट आ गया, तो एक्सपोनेंट लिख लेंगे, थोड़ा छोटा छोटा लिखना होगा भैया क्योंकि दूर जाने में बड़ा तकलीफ है और गैप बहुत कम रखना, ठीक है, एग्ज़ाम में ये सब चीज़ मायने रखता है, अगर प्रैक्टिस नहीं रहा तो एग्ज़ाम में यही सब चीज़ दिक्कत हो जाता है, ठीक है। पी स्क्वायर बाय टू एम एक्सपोनेंट एकदम छोटा छोटा लिख रहे हैं, ठीक है, आप समझ जा रहे होंगे, एक्सपोनेंट है यहाँ पर माइनस पी स्क्वायर बाय टू एम के टी इंटू, फिर से यहाँ पर एक्सपोनेंट लिख रहे हैं, एक्सपोनेंट मतलब ई टू दी पावर, ठीक है, तो एक्सपोनेंट को हम एक्सपोनेंट ही लिखते हैं, ई टू दी पावर लिखेंगे तो बड़ा होगा इधर, ठीक है, तो एक्सपोनेंट ही लिखते हैं। यहाँ पर क्या, माइनस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू के टी, ठीक है, इंटू जो था यहाँ पर डी पी हटाने दिए, प्लस अगला यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन था तो रखे थे कि नहीं इसमें, तो उसी तरह यहाँ पर भी इंटीग्रेशन है तो उसको रखिए, वन बाय टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर दिस, है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ई टू द पावर दिस मतलब ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर एक्सपोनेंट ही लिख देते ना यार, क्यों दिमाग खराब, एक्सपोनेंट का मतलब है इक्वल पावर, एक्सपोनेंट मतलब माइनस पी स्क्वायर बाय टू एम के टी, ठीक है, इंटू
ई टू दी पावर दिस तो हो जाएगा यहाँ पर एक्सपोनेंट, यहाँ पर नहीं लिखा देखे इसीलिए बोलो छोटे छोटे लिखने नीचे लिखते हैं यहाँ पर इंटू में एक्सपोनेंट ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू के टी, और इंटीग्रेशन में यहाँ रहेगा क्या डी एक्स, क्या रहेगा यहाँ पर डी एक्स ठीक है। और डिवाइड में नीचे में भी इसी तरह हम लोग करने वाले हैं, डिवाइड में नीचे में भी इसी तरह करने वाले हैं। देखो भाई डिवाइड में नीचे में क्या है ये वाला टर्म है ठीक है, तो अलग अलग कर देते हैं सबको है ना। देखो जैसे यही है पी है तो एक्सपोनेंट ये वाला रहेगा इंटू डी पी, तो एक्सपोनेंट इसका मतलब है यहाँ पर माइनस पी स्क्वायर बाई टू एम के टी इंटू डी पी ठीक है। और फिर से ये इंटीग्रेशन है एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स वाला को रखो यहाँ पर, यहाँ पर है एक्सपोनेंट है ये भी एक्सपोनेंट में ही था एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू एम के टी, और ये यहाँ चूंकि माइनस था तो यहाँ भी क्या देना पड़ेगा माइनस ठीक है, यहाँ पर क्या देना पड़ेगा माइनस, दूसरे कलर से दे दो यार माइनस दे दिए यहाँ पर ठीक है। सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना इंटू 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 यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा कमेंट करके बताना अगर दिक्कत लग रहा होगा तो है ना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है। देखें यहाँ पर है ना कुछ चीज़ें समझने वाली बात है, ये है कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है डी पी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है भैया डी पी के रिस्पेक्ट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है डी पी के रिस्पेक्ट में, तो उसके अलावा पी के अलावा जो टर्म है जैसे ये एक्सपोनेंट का पावर इतना, तो ये वाला टर्म कट जाएगा किससे, कट जाएगा किससे यहाँ पर काटने से पहले एक स्टेप कर लेना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर ये प्लस बी बाई सी रहा तो हम लोग क्या कर लिखते हैं इसको ए बाई सी प्लस लिखते हैं बी बाई सी लिखते हैं कि नहीं, उसी तरह है यहाँ पर ए प्लस बी बाय सी ठीक है, तो वही करते हैं थोड़ा सा देखोगे। और एक चीज़ और कि जब तक यहाँ इंटीग्रेशन को अभी सेपरेट नहीं कर सकते जब तक यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर क्या हो एक्स रहेगा तब तक, देखो यहाँ पर एक्स भी है तो इंटीग्रेशन को सेपरेट नहीं कर सकते ठीक है, दोनों में डी पी इंटू डी एक्स लगाना पड़ेगा ठीक है। देखो यहाँ पर डी पी इंटू डी एक्स लगाना पड़ेगा ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अगर हो भी जाए तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, यहाँ भी तो है एक्स वाला टर्म तो यहाँ भी क्या करो पी इंटू एक्स लगा दो ठीक है, डी पी इंटू डी एक्स यहाँ भी लगा दो ठीक है, पी और यहाँ पर एक्स लगा दो और डी पी डी एक्स यहाँ भी लगा दो ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा डी पी डी एक्स है ना, यहाँ भी हो जाएगा क्या डी पी डी एक्स ठीक, ऊपर वाले को हम मिटाते हैं और इसी को जो है सो वहाँ पर लिखते हैं थोड़ा ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, समझ लीजिएगा वहाँ से, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तब जाकर के वीडियो का हेल्प ले सकते हैं, और तब भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपके लिए यहाँ पर मौजूद हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्या करो मैसेज कर दो ठीक है। यू एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं वो क्या है पी एक्स का इंटीग्रेशन, पी एक्स का इंटीग्रेशन पी स्क्वायर बाई टू एम, पी स्क्वायर बाई टू एम ठीक है इंटू एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट यहाँ पर पी स्क्वायर था माइनस पी स्क्वायर बाई टू एम के टी इंटू दिस इंटू फिर से एक्सपोनेंट ये था माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू के टी, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू के टी ठीक है इंटू डी पी इंटू डी एक्स, डी पी इंटू डी एक्स ठीक है, और बाय बाय नीचे वाला टर्म को इसमें डिवाइड कर दो, तो नीचे वाला टर्म क्या है देखो भैया पी इंटू एक्स है, एक्सपोनेंट है यहाँ पर पी स्क्वायर बाई टू एम के टी है
डी पी इंटू डी एक्स है इंटू फिर से यहाँ पर पी एक्स है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, इसको अगर एक साथ ना भी लिखें ना तो भी मेरा काम चल सकता है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके अगर ना भी लिखें तो भी काम चल, अच्छा ये मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी अलग अलग इंटीग्रेशन थोड़ी हो जाएगा यार, कितना मतलब गलती हो रहा है इससे। यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है। तो ये हाँ डी पी इंटू डी एक्स हो जाएगा, अपने आप थोड़ी हो जाएगा भैया, ठीक है। यहाँ पर एक्सपोनेंट पी एस का पी स्क्वायर बाई टू एम के टी था इंटू दिस टर्म इंटू एक्सपोनेंट माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू एम के टी, टू एम के टी, ठीक है। और डी पी इंटू डी एक्स तो लिख ही देना है क्योंकि लास्ट में था। और यहाँ देखो क्या था भैया, यहाँ प्लस का साइन था, तो अब यहाँ क्या करेंगे प्लस देंगे, और फिर ये वाला टर्म लिखेंगे उसके नीचे ये वाला टर्म लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं वही, देखो ये वाला टर्म में क्या है, हाँ ये ठीक है टर्म, इन डबल इंटीग्रेशन है p इंटू एक्स का, तो डबल इंटीग्रेशन लगा दिए p और x का, वन बाई टू, वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू इंटू एक्सपोनेंट इंटू एक्सपोनेंट दिस टर्म माइनस पी स्क्वायर बाय टू एम के टी, ठीक है, इंटू इंटू एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू के टी, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू के टी, ठीक है, इंटू डी पी डी एक्स बाय डिवाइड दिए जी, हाँ जी डिवाइड दिए। इसके बाद जो टर्म है नीचे में वही टर्म, या तो ये कह सकते हैं जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म यहाँ पर होगा, तो उसको लिख दो, और इसका ज़रूरत नहीं है, ये लिखने में थोड़ा डिस्टर्ब करेगा इसके लिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ जो टर्म है यहाँ पर वही लिख देना, तो देखो यहाँ पी इंटीग्रेशन एक्स एक्सपोनेंट माइनस पी स्क्वायर बाय टू एम के टी, ठीक है, इंटू एक्सपोनेंट माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू एम के टी, ठीक है। फिर यहाँ पर डी पी डी एक्स, अब देखो कुछ काटने के लिए हम लोग जा रहे हैं, कुछ कैंसिल आउट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। कैंसिल आउट में ये करेंगे ना, जैसे यहाँ पर क्या है पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर वाले टर्म को ना काट करके हम एक्स वाले टर्म को यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, एक्स वाला टर्म ये था और ये था, फिर यहाँ पर डी एक्स है तो डी एक्स को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो उसका टर्म को छोड़ करके पी का जो टर्म ये वाला और ये कैंसिल हो, फिर यहाँ पर डी पी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ डी पी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो बचेगा उसको लिख देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे, ठीक है। तो यू एवरेज जो आ रहा है मेरा एनर्जी एवरेज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर देखो जैसे ही एक्स खत्म हुआ इसका इंटीग्रेशन भी खत्म, यहाँ क्या बचा पी, यहाँ बचा है पी स्क्वायर बाई टू एम एक्सपोनेंट माइनस पी स्क्वायर बाई टू एम के टी, ठीक है, इंटू एक्सपोनेंट माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू के टी इंटू डी पी, ठीक है बाय। अच्छा एक मिनट, ये तो मैंने काट दिया भैया, कौन वाला काट दिया, एक्स वाला टर्म तो कटा गया, तो फिर यहाँ क्यों लिख रहे हैं, यहाँ लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, ठीक है लिखना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी पी इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा डी एक्स भी क्यों लिखे जब ये कैंसिल कर दिए, तो ठीक है आदत लग गई है लिखने के लिए, ठीक है वही लिखा जा रहा है। और नीचे में देखो क्या बचा, नीचे में देखो एक्स वाला टर्म कैंसिल हुआ, तो ये डी पी लिखना, ठीक है, एक्सपोनेंट पी स्क्वायर बाय टू एम के टी इंटू डी पी, देखो कहाँ से चले थे कितना छोटा आ रहा है, आंसर उतना ही छोटा आएगा, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसमें मैंने अपना एनर्जी का वैल्यू पुट किया है,
और एनर्जी का वैल्यू क्या था, पी स्क्वायर बाई टू एम प्लस वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस उसी को पुट करके अभी तक यहाँ सॉल्व कर रहे हैं और ये सॉल्व हो ही रहा है, बहुत लंबा जाएगा ऐसा नहीं है, बस दो तीन स्टेप बचा हुआ है, ठीक है, दो तीन स्टेप बचा हुआ है, कैलकुलेशन तुरंत हो जाएगा। बस यहाँ पर देखो पी स्क्वायर वाले टर्म को काट दिए तो यहाँ बचेगा क्या, इंटीग्रेशन एक्स, फिर यहाँ बचेगा वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इन टू, ये वाला टर्म तो कट ही गया, बचेगा फिर ये इन टू एक्सपोनेंट माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू के टी, टू के टी, यहाँ पर एम नहीं होगा, हाँ टू के टी, ठीक है, इन टू, चूंकि यहाँ पी वाला टर्म तो कैंसिल हो गया है, पी वाला टर्म तो यहाँ क्या बचेगा एक्स बचेगा, और नीचे डिवाइड में फिर वही लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं जो यहाँ पर बचा हुआ है, यहाँ पी वाला टर्म कैंसिल हुआ था, यहाँ बचेगा कौन सा एक्स, और एक्स में क्या है ये वाला एक्सपोनेंट माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू के टी इंटू डी एक्स, कितना छोटा हो गया इंटीग्रेशन, देख रहे हैं अब जो है सो उसमें कुछ कुछ और नहीं, बस इंटीग्रेशन ही बचा हुआ है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर देखो पी स्क्वायर बाई टू एम के टी को मान लेते हैं हम अल्फा स्क्वायर, क्या मान लेते हैं लेट अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ये वाला टर्म पी स्क्वायर बाई टू एम के टी, ठीक है। अब इससे इस पर कोई डी पी करेंगे तो भी उतना ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंतर नहीं होने वाला है, ठीक है। और उसी तरह हम लोग मान लेते हैं कि बीटा स्क्वायर जो होगा, बीटा स्क्वायर एक कांस्टेंट है, कुछ भी है, इसका वैल्यू ये वाला है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू के टी, क्या है एम ओमेगा स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू के टी, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना जो कि गलतियाँ हुई है मेरे से, है ना, जहाँ भी लिख रहे हैं ओमेगा जीरो लिखना, मतलब ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक है, जहाँ भी लिख रहे हैं हम लोग क्या लिखेंगे हमेशा ओमेगा जीरो लिखा करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी में ही बता देना चाहिए था, ओमेगा जीरो लिखेंगे, ठीक है, ओमेगा नॉट, है ना। तो अल्फा स्क्वायर इतना आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या जरूरत है, पी स्क्वायर बाई टू एम का जरूरत है, तो बता पी स्क्वायर बाई टू एम अगर हम यहाँ से निकालें पी स्क्वायर बाई टू एम, तो ये के टी इधर आ जाएगा कि नहीं, हो जाएगा के टी इंटू अल्फा स्क्वायर। उसी तरह यहाँ भी क्या है देखो, यहाँ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ पर निकालें अगर एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू का वैल्यू अगर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये बीटा स्क्वायर इंटू के टी हो जाएगा, बीटा स्क्वायर इंटू के टी हो जाएगा, समझ आई मेरी बात। तो क्या यही वैल्यू हम जो है सो यहाँ पर पुट करें, ठीक है, और ये जहाँ पर डी पी है वहाँ पर क्या करेंगे डी अल्फा पुट करेंगे, जहाँ पर डी एक्स है वहाँ क्या पुट करेंगे डी बीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा फॉर्म में आ जाएगा और वही हम यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसका जो लिमिट होगा, लिमिट ये मोमेंटम का और ये एक्स का, ठीक है, जो लिमिट होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब जो है सो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जितना एनर्जी देंगे उतना वाइब्रेट होगा, तो इसका लिमिट जो है सो कहाँ जा सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जाएगा, जा मिटा दिए मैंने, ठीक है। मैंने क्या किए, मिटा दिए, खैर अच्छा है, मिटा दिए तो अच्छी बात है, लिख देते इसको पुट करके, है ना, मिटा दिए क्यों, मेरे पास लिखा हुआ है, हम उसको लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लिख देने से देखते हैं क्या है ना। तो देखो भैया यहाँ पर है u एवरेज इक्वल्स टू जो आएगा वो आएगा k इंटू टी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंट ऑफ माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू डी अल्फा बाय माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू डी अल्फा, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी लिखना है प्लस में करके, यहाँ भी क्या होगा के टी ही होगा, देखो के टी ही है,
तो यहाँ भी होगा के इंटू टी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बीटा स्क्वायर बीटा इसके इसी से कोरिलेट कर लो इंटू एक्सपोनेंट ऑफ बीटा स्क्वायर डी बीटा, ठीक है ना। इसके बाद वाई करके लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंट ऑफ माइनस बीटा स्क्वायर इंटू डी बीटा, ठीक है। और इसका जो आंसर होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है, गामा फंक्शन से इसका सॉल्यूशन करते हैं, और वो जो सॉल्यूशन होता है वो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, आप भी इसको जो सो आप रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर इंटीग्रेशन करना चाहेंगे ना तो दिल्ली मुंबई करीब एक घंटा और लग जाएगा लेक्चर में, ठीक है। तो उसके लिए जो है सो हम लोग लिख देते हैं, इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये ऊपर वाले का, ठीक है, सो होता है रूट पाई बाई टू, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इंटीग्रेशन है वो होता है रूट पाई बाई टू के टी इंटू रूट पाई बाई टू, इस तरह से, ठीक है। हाँ, और जो इसके जस्ट नीचे में उसका जस्ट इंटीग्रेशन होता है रूट पाई, क्या होगा इंटीग्रेशन रूट पाई प्लस, उसी तरह सेम टू सेम इंटीग्रेशन इधर है तो इधर सेम टू सेम है तो ज़्यादा थोड़ी ना वेरिएबल होने वाला, वेरी थोड़ी ना होगा, वही हो जाएगा इधर, क्या हो जाएगा के टी, देखो के टी तो है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक का जो इंटीग्रेशन है वो कितना रूट पाई बाई टू, तो रूट पाई बाई टू। लेकिन ये कब होगा याद रखिएगा, जब इसका लिमिट का हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो बाय रूट पाई, ठीक है। अब क्या करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना। ये पाई देखो यहाँ पर दूसरे कलर से, रूट पाई कैंसिल, यहाँ भी रूट पाई कैंसिल, क्या बचेगा बचेगा यहाँ पर के टी बाई टू प्लस के टी बाई टू, ये आ जाए कितना के इंटू टी के बराबर, क्या आ गया के इंटू टी के बराबर। आप लोग को लग रहा होगा यार हमने कहाँ जिंदगी स्टार्ट की कितनी बड़ी इंटीग्रेशन से और आई यहाँ पर बहुत छोटा इंटीग्रेशन, आया कि नहीं आया। तो अब देखो यहाँ तक नोट कर लेंगे, अब देर आर मेनी एटम्स, बहुत सारे एटम्स हैं वहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारे एटम है तो उसको हम लोग क्या करते हैं एन एटम है, वो एन मतलब क्या अवोगैड्रो नंबर, इतना बड़ा बड़ा एटम है 6.022 × 10²³ एटम्स है, ठीक है। तो वो अवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम अगर है एन, कैपिटल एन, ठीक है, कैपिटल एन जो है सो अवोगैड्रो नंबर के बराबर का एटम है अगर, ठीक है, कैपिटल एन क्या है अवोगैड्रो नंबर के बराबर का एटम है, ठीक है। तब एक एटम था तो उसका एनर्जी के टी आया, अगर दो एटम था तो 2 KT आता, अगर तीन एटम था तो 3 KT आता, अगर एन एटम है तो क्या आएगा NKT, ठीक है। तो 4N नंबर ऑफ एटम, ये लिखते हैं आप मिटा के लिखे, मिटा के लिखते हैं क्योंकि बड़ा जिंदगी खराब रखा है इन्होंने, ठीक है, बहुत लंबा दूर से चलते जा रहा है ना। तो 4N एटम, 4N एटम्स, N मतलब क्या होगा ड्रो नंबर, तो हो जाएगा एनर्जी एवरेज इक्वल्स टू NKT, ठीक है, क्या हो जाएगा NK × T, ठीक है। और ये जो है सो ये जैसे ही एनर्जी हम लोग देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो एक्स एक्सिस में वाइब्रेट हो सकती है, वाई एक्सिस में वाइब्रेट हो सकती है, और जेड एक्सिस में वाइब्रेट हो सकती है। तो वो तीन तरह के एक्सिस है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर इक्वल्स टू 3NK × T, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ और, एवरेज एनर्जी जो होता है वो यहाँ पर एन इंटू के को हम लोग आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आर, एन इंटू के को क्या बोलते हैं आर, यहाँ पर आर लिख लेना बगल में, एन इंटू के को क्या बोलते हैं हम लोग आर बोलते हैं। एन मतलब क्या है भैया, यहाँ पर एन का मतलब है याद रखना अवोगैड्रो नंबर, और के का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या देता है गैस कांस्टेंट देता है, क्या देता है गैस कांस्टेंट देता है, ठीक है। तो आ गया के एनर्जी कॉस्ट आ गया इतना, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वो कितना होता है DU/dT होता है कि नहीं, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पर डी बाय हम लोग यूज करेंगे dT, और यू के जगह पर लिखेंगे कितना 3RT,
ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन हो रहा है टी के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर है थ्री आर, तो थ्री आर हो गया कॉन्स्टेंट, उसको बाहर खींच लेंगे, उसको क्या करेंगे बाहर खींच लेंगे, और टी का डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में कितना होगा वन, तो देखो यहाँ पर सी भी जो आ जाएगा, सी भी कितना आ जाएगा थ्री आर, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब कभी भी टेम्परेचर, जब कभी भी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो, उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट से कम हो, तब उसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो कितना होता है थ्री आर होता है, वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो यही हाल है, यही इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। ठीक है, डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ है ना, तो ठीक है। अब इसमें क्या हुआ गलतियाँ, इसके आगे मैं बता देता हूँ इसका गलतियाँ, और इसका एक तरह का समझो कि डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है, लिमिटेशंस भी है, कि इन्होंने क्या करी, इन्होंने ये ग्राफ बनाया है, तो यहाँ पर अगर रूम टेम्परेचर है, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट है, और इधर हीट कैपेसिटी जा रहा है, ठीक है, हीट कैपेसिटी जा रहा है, तो इसका ग्राफ जो है सो यहाँ से इधर जाने लगता है, ठीक है, इसका ग्राफ यहाँ से इधर जाने लगता है। तो अब बताइए क्या इन्होंने तो यहाँ से यहाँ तक का तो बता दिया, लेकिन उन्हें ये जो लो कर्व बन रहा है ना उसका कोई कारण नहीं बताया। यहाँ से यहाँ तक का कारण बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ जो लो कर्व बन रहा है उसका कोई कारण नहीं बताया, ये इस तरह से कर्व क्यों बन रहा है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों। ठीक है, तो इसको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था अगला हम लोग पढ़ेंगे डीबाय थ्योरी। तो डीबाय थ्योरी ने क्या किया, क्वांटम फिजिक्स को बेस मान करके इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आई थिंक सो 15-20 नहीं है, कम से कम 30-35 मिनट हो चुका होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं, बाय बाय, धन्यवाद।